हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू सेलिंग सार्क। और आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप अपने मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं मर्चेंट नेवी में एंट्री करने के लिए। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे फ्लीट हो, एंग्लो ईस्टर्न हो, मैनेजमेंट कंपनी हो, ओनरशिप कंपनी हो, कंपनी कोई भी हो, बट अगर आप उसमें मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो में सारी आगे बात बताऊंगा। और साथ में ही एंड ऑफ द वीडियो, जब वीडियो का खत्म होना होगा, उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको क्या प्रिपरेशन करके जाना है मेडिकल्स कराने के लिए किसी भी क्लिनिक में, जो भी अप्रूव्ड डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कितने टाइप के एग्जामिनेशंस हैं जो कंपनीज नॉर्मली करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस इज कैप्टन विमलेश कुमार सिंह, आई एम सेलिंग ऑन कंटेनर शिप। मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ मेडिकल्स के बारे में। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मेरा भी कंपनी से ज्वाइनिंग के लिए मैसेज ईमेल ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो कंपनी जब भी एग्जामिनेशन कराती है, चाहे वो मेडिकल्स ओनरशिप का हो या फिर किसी मैनेजमेंट कंपनी का, आपको कुछ शेड्यूल दिए होते हैं जिसके हिसाब से कंपनीज आपका एग्जामिनेशन मेडिकल कराती है। तो जो शेड्यूल होते हैं वो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, तीन टाइप के जो एग्जामिनेशंस होते हैं जो कराई जाती है। तो कंपनी जब भी आपको मेडिकल्स के लिए जाने के लिए बोलेगी तो आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक मेडिकल कराना पड़ेगा, जो कि मेल वो अप्रूव डीजी शिपिंग जो अप्रूव हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनको वो मेल कर देती हैं कि आपको कौन से शेड्यूल का एग्जामिनेशन जो है वो कराना है। जैसे कि अगर शेड्यूल ए कराना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी उनको, और शेड्यूल बी कराना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे, और अगर शेड्यूल सी कर रहे हो आप तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा और साथ ही क्या प्रिपरेशन आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल्स के लिए पहली बार जा रहे हैं तो आपको एक कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। मेडिकल में कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, जो भी रेगुलर चेकअप्स होते हैं बस वही होता है। जैसे कि आपका ब्लड लिया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे लिया जाएगा, अल्ट्रासाउंड दैट इज योर सोनोग्राफी वो की जाएगी, और साथ में ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग HIV क्या होता है, ये सारी चीजें होंगी। कुछ कंपनीज कहती हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT जिसको कहते हैं, PFT किया जाता है, कुछ लोगों को ट्रेडमिल टेस्ट कराया जाता है, साइको टेस्ट होता है। तो डिपेंड अपॉन कि किस टाइप का शेड्यूल आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, कहाँ से फ्लैग स्टेट है, सिप कहाँ से रजिस्टर्ड है, उससे डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करोगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं शेड्यूल ए से। शेड्यूल ए में नॉर्मली जो होता है वो उनके लिए होता है जिनका एज बिलो 30 ईयर्स है, ठीक है। तो उनको क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं, नॉर्मली जो भी पहले आपने मेडिकल्स कराया होगा पास्ट में उसको रिव्यू किया जाता है, साथ में एक्सरे किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जिसको कहते हैं वो काउंट टेस्ट होता है, आपका रूटीन यूरिनालिसिस होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है, डेंटल चेकअप्स होते हैं, ऑप्टिकल चेकअप्स होते हैं, दैट मीन्स योर आइज के साइट और कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी, और कंप्लीट फिजिकल चेक होगा जैसे कि ब्लड BP, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, ठीक है। और कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में ही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है, वो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर, आपको खाली पेट जाना है, जब भी आप क्लिनिक जाएंगे तो खाना या कोई भी चीज़ ऐसा लेके ना जाए जिससे आपके टेस्टिंग में प्रॉब्लम आए, अदरवाइज हो सकता है उस दिन आपको लौट के आना पड़ जाए। तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं खाली पेट जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग और ब्लड शुगर टेस्टिंग ये इजिली हो जाएगा। HIV टेस्ट होगा, HIV 1, HIV 2 इट इज़ रिकमेंडेड। और ऑडियोमेट्रिक टेस्ट, आपके कान में कुछ वॉइस या माइक्रोफोन के जैसा लगा करके कुछ ऑडिबल थिंग्स आपको सुनाई जाएंगी और बोला जाएगा कि क्या आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। जब जब आप बोलोगे बीप की साउंड आ रही है तब तक वो मार्क करते जाएंगे और धीरे धीरे करके वो ऑडियोमेट्री जो आपकी चेक करेंगे उसमें वो साउंड की जो डेसिबल्स हैं साउंड धीरे 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 धीमा करते जाएंगे और चेक करेंगे कब तक आपको सुनाई दे रहा है दोनों कानों से बारी बारी से। साथ में PFT जो मैंने पहले बताया था, आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वो भी किया जाएगा। इसमें करना क्या होता है, PFT में आपको एक ब्लो करने के लिए एक इक्विपमेंट दिया जाएगा, उसमें आपको सांस को ब्लो करना है, एक रिदम में आपको ब्लो करना है, ठीक है, जिससे में आपको एक ग्राफ बताया जाएगा कि कब तक आप ब्लो करना है, कब तक आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होगा वो आपको बताएगा। इसके साथ में VDRL स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफरेबल डिजीज के लिए ये VDRL स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा जो कि ब्लड से ही हो जाता है। उसके बाद होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्ट होता है, और हेपेटाइटिस सी, और लास्ट में जो शेड्यूल ए में होता है डेट इज योर ब्लड यूरिक एसिड। ये सारी चीज़ें शेड्यूल ए में होंगी, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वही होंगे। आपका ड्रग अल्कोहल टेस्ट भी किया जाएगा,
कि आपका ड्रग और अल्कोहल कंटेन क्या है, जैसे कि आपका इसमें कोकेन, मैरिजुआना और जो भी ड्रग्स है वो सारी चीजें इसमें होती है। तो ये हो गया शेड्यूल ए की बात। शेड्यूल बी क्या होता है, ये कुछ वो उनके लिए यूज किया जाता है जिनकी एज 30 से 50 के बीच में है। कोई भी सी फेरर अगर 30 और 50 के बीच एज में आता है तो उसके लिए शेड्यूल बी कंपनी प्रीफर करती है। तो उसमें क्या होगा, सारी टेस्टिंग जो मैंने पहले बताई वो सारी चीजें होंगी, साथ में कुछ स्पेशल चीजें होती है जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, आपका लीवर का टेस्ट होता है, उसकी साइज नापी जाती है, SGOT, SGPT, GGTP, ये टोटल प्रोटीन, ये सारी चीजें, चार पांच चीजें इसमें टेस्ट होती हैं जो एडिशनली शेड्यूल बी में ऐड होती हैं, शेड्यूल ए के अलावा उसमें एडिशन में। ठीक है, साथ में आपको रिनल टेस्ट होगा, और उसके बाद ग्लाइकोलेट टेस्ट, डायबिटिक टेस्ट होगा, और एडिशनल में अल्ट्रासाउंड आपको एब्डोमेन और पेविस सोनोग्राफी की जाएगी आपकी। ये हो गया आपका शेड्यूल बी में जो एडिशनल था। अब शेड्यूल थ्री में जो शेड्यूल ए बी में था वो सारी चीजें होंगी। एडिशन में क्या क्या होगा वो मैं आपको केवल बता देता हूँ। एडिशन में आपका होगा स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट आपके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद होता है कार्डियन एंजाइम टेस्ट, LDH और CPK-MB, ये टेस्ट होगा अगर आप शेड्यूल सी में आ रहे हैं तो। एडिशनली आपको कोई कंपनी ट्रेडमिल टेस्ट या साइको टेस्ट करने को भी कह सकती है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टेस्टिंग की जाती है मर्चेंट नेवी में। जब भी आप शिप को ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, चाहे आप क्रू हैं या आप ऑफिसर हैं या कैटरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इंजन डिपार्टमेंट्स हैं, आपको ये सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, ABC जिस भी शेड्यूल कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी टेस्टिंग की जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल पॉइंट पे, दैट इज कि क्या क्या टिप्स मैं बताने के लिए आपको बोल रहा था। मैं पहले क्या बोला था कि कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं अगर आप मेडिकल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। पहली चीज, आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन है, आप नर्वस होंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। तो जब भी आपका ECG किया जाएगा तो उसमें आपका ये हार्ट काउंटिंग अलग से आ जाती है, दैट मींस वो मेजर कर लेते हैं कि आपका हार्ट बीट ज्यादा है। टिप नंबर टू ये है कि जब भी आप मेडिकल्स के लिए जाएंगे, खाली पेट जाएंगे, आप कोई भी चीज खाना पीना या कोई भी चीज आप फूड या कोई भी चीज खाके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई टिप नंबर टू। टिप नंबर थ्री में फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप जाएं तो वहाँ खाना भी अपने लंच आपके साथ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें कि आपको खाना खाने के बाद करना पड़ता है, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल और फूड लंच के लिए कुछ कैरी जरूर करें, क्योंकि कुछ टेस्टिंग होती है जो बिना खाए खाली पेट होती है और कुछ टेस्टिंग होती है जो खाना खाने के बाद होती है। और अल्ट्रासाउंड जब भी आपसे कराया जाएगा तो आपको बोला जाएगा पानी पीने के लिए, जिससे कि जब यूरिन आपका ब्लैडर फूल जाता है, जब उनका आपको यूरिन आने वाला होता है, तभी जाके आपका ये USG डेथ मीन्स अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया जाता है। तो आप पानी अपने साथ जरूर लेके जाएं। नाउ टिप नंबर फोर, चौथी टिप ये है, अगर आप डेक ऑफिसर हैं, दैट मीन्स आप नेविगेशन वॉच करते हैं ब्रिज पे, या फिर आप AB हैं या OS हैं या डेक कैडेट हैं, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आईसाइट। तो आईसाइट टेस्टिंग के लिए उस समय भी आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। मैं राइट आई टेस्ट करूंगा, तो हमने एक ऑक्लूडर से पेशेंट की लेफ्ट आई को बंद कर दिया और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा है, चार्ट आई लेवल पे होना चाहिए, 3475027, वेरी गुड। ऊपर से नीचे तक पढ़ो एक बार, 7534। जो भी टेस्टिंग आई साइट से रिलेटेड होती है वो करनी है, जैसे कि आपको लेटर रीड कराया जाएगा, अल्फाबेट्स रीड कराए जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश आपको रीड करना है वेरी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप दो अक्षर, तीन अक्षर, चार लेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको वहां से वो क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, साइट टेस्ट के बाद आपका एक और टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंड। नाउ आई एम गोना बी वॉकिंग यू थ्रू द इशिहारा कलर ब्लाइंड टेस्ट सो दैट यू कैन फिगर आउट इफ यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट। लेट्स टेक अ लुक। यस टेस्ट, ठीक है, उसको इशिहारा बुक एक नाम करके बुक आती है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ लिंक में साइड में आ रहा होगा, वहां पे इशिहारा टेस्ट बुक को आप एक बार पढ़ के जाइए। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के साइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ पेजेस होते हैं, जिसमें आपको कलर डॉट्स दिखाए जाते हैं और कलर डॉट्स में अल्फाबेट या तो नंबर्स होते हैं, तो आपको नंबर्स डिटेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़े भी हेजिटेट हो रहे हैं तो आप क्या करिए, ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लीजिए इशिहारा टेस्ट बुक, तो उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स आ जाएगी, एक बार सबको वहाँ टेस्टिंग से पहले गो थ्रू कर लीजिए। मोस्टली ये सारे टेस्ट जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको जरूर कराया जाता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए, उसके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो ये हो गया टिप नंबर फोर। फ्रेंड, लास्ट और फाइनल टिप, टिप नंबर फाइव जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर फाइव ये है कि मेडिकल चाहे कैसा भी हो, कोई भी चीज हो, आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको क्लियर कराएगी,
बहुत चांसेस अभी बहुत लोग इवन मास्टर्स से लेकर स्टीवर्ड जो भी है बहुत लोग मेडिकल्स फेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली. उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. दूसरा चीज, वो हर चीज के लिए हेजिटेट कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है, डॉक्टर या एग्जामिनर जो भी वहां पे है वो आपकी चीजों को देख लेता है और समझ जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है. तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज हो जाइए, बताइए एवरीथिंग इज ओके, साइड टेस्ट जो भी है जो भी कराया जा रहा है कॉन्फिडेंटली करिए एंड बी रिलैक्स्ड, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो ये रहा मेरे 5 टिप्स जो आपको मेडिकल से पहले आपको अप्लाई करने हैं और तभी मेडिकल्स के लिए जाना है. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. और जाने से पहले एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. जो भी मेरे पास नॉलेज है आई विल शेयर विद यू वेरी फ्रेंकली एंड बोल्डली. मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा. सो जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए जिससे कि आपको सारे उसके आंसर्स मिल सके. और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो स्केड्यूल मैंने बताया, स्केड्यूल ए बी सी, उसका एक लिंक डाल दूंगा या वो पेज डाल दूंगा जिससे आपको पता चल सके कि कितने टाइप के टेस्ट्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.